सिंपल सॉल्यूशन निकालना है, गिवन गिवन डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा क्या काम होता है वेरिएबल सेपरेटर में, कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, मतलब कि हम dy के साथ में सिर्फ y वाली टर्म्स रखेंगे और dx के साथ में सिर्फ x वाली टर्म्स रखेंगे। तो देखिएगा ये dy है, dy के साथ ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और dx इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमरेटर में। तो हम ये बोलेंगे ये हो गया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप बोल दीजिए y स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से dx इधर आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू और dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और y स्क्वायर प्लस 1 ना बोल के y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। तो अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये जो इक्वेशन है इसको आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन dy अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कौन सा वाला फॉर्मेट हो गया हमारे पास, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 1। ऐसे ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन 1। ठीक है, तो देखिएगा जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, बताइए सभी को क्लियर है। यस सर। समझ गए आकृति, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल 11 में देखिएगा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू -4xy² गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें पहले तो जनरल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ता है, फिर कुछ कंडीशन दे रखी होती है y की और x की। जैसे इसमें दे रखा है कि गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को यूज करके फिर हम कांस्टेंट जो आता है ना, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट आया है ये c, तो मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो देखिएगा क्या करेंगे यहाँ एग्जांपल नंबर 11 में, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to -4xy² -4xy² dy by dx is equal to कितना हो गया। अब आप इसमें dy को और dx को दोनों को अलग अलग कर लो, तो ये y square यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो हो गया dy upon y square, और ये dx इधर चला गया, तो -4x dx। y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, y अपॉन में है ना, तो ये y की पावर -2 dy इज इक्वल टू -4x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y की पावर -2 dy इज इक्वल टू कि -4 तो कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल कर लिखेंगे -4 इंटीग्रेशन x dx। अब y की पावर -2 dy, y की पावर -2 को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इतना इज इक्वल टू -4, और ये हो गया x² / 2 ये, और प्लस c क्या आ गया हमारे पास, थोड़ा करिए इसको सिंपलीफाई, y की पावर -2 + 1 क्या हो गया, y की पावर -1 अपॉन -2 + 1 कितना हो गया -1 इज इक्वल टू -4
x square upon 2 plus c, 2 4, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस c। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। ये जो आया है ना इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन। फिर जो इन्होंने कंडीशन दी है वो ये है, गिवन गिवन y is equal to 1 when x is equal to 0 y is equal to 1 when x is equal to 0। तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 डालिए और y की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो minus 1 upon 1 is equal to minus 2 into 0 का स्क्वायर plus c। तो c की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास minus 1। put this value in equation 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन y, माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर और c की जगह वैल्यू डाल दीजिए माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, माइनस से माइनस कर गया, ठीक है ना। तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। या तो ये कह दो और या फिर आप एक काम करिए, y की वैल्यू निकालनी होती है, y इज इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, दोनों में से कुछ भी। ये आपका हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। काजल क्लियर है? यस सर। कृतिका? यस सर क्लियर है। ठीक है। मयंक और आकर्ष तुम दोनों बताओ समझ गए? हाँ सर। यस सर। ठीक है जी। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया y is equal to 1 upon 2x square plus 1। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 12 देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस x dy is equal to 2x square plus 1 into dx। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो एक तरह से क्या होता है कि ये जो वैल्यू आती है ना, आप ये कहोगे सर ये 1 upon y is equal to 2x square plus 1 आ गया था, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करने की जरूरत क्या थी। हमसे जब भी कोई सॉल्यूशन पूछा जाता है तो सॉल्यूशन में हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। y क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन ऑफ x, fx को ही हम y बोलते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर ये y था ना, 1 upon y था, तो मैंने इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर लिया कि मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक। वैसे यहाँ पर कर देते तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं होता, दोनों ही ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 12 में इन्होंने दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो 1, 1 दे रखा है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दे रखा है। ये x और y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले हम उसको सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dy डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx, 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx। अब क्या करिए, पर यहां पर y वाली तो कोई टर्म नजर नहीं आती है, तो ये x वाली टर्म ये dy के साथ क्या कर रही है, इसको भी इधर लेकर जाओ।
तो ये dy हो गया हमारे पास 2x square plus 1 upon x और dx. फिर इनको स्प्लिट करिए, dy is equal to 2x square upon x plus 1 upon x dx. अब एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो dy is equal to 2x upon 1 plus x dx, integrating both sides. दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए इसको, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x dx, 2x प्लस 1 अपॉन x dx. जब इंटीग्रेट करेंगे तो dy को जब इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब ये 2x है तो जब 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, और x का क्या हो जाएगा x square upon 2, तो ये हो जाएगा 2 into x square upon 2 plus ये जो 1 upon x है, 1 upon x का इंटीग्रल क्या होता है log x, तो हम log x कर देंगे log mod x और प्लस c, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y is equal to x square plus log mod x plus c. इक्वेशन नंबर 1 ये होता है जनरल सॉल्यूशन. सिंस क्या दिया है हमने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1. सर जी बताइए सर, सॉरी फिर मैंने पहले आपसे पूछा था और मेरे को याद नहीं. सर जैसे अभी 1 अपॉन x था तो हम इसको वैसे क्यों नहीं कर सकते थे कि x की पावर -1, और फिर हमें ये मालूम है कि अगर मान लो हम x की पावर -1 वाला केस लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1+1 अपॉन -1+1, ये हो जाएगा, तो ये ऊपर तो आ जाएगा x की पावर 0 व्हिच इज 1, लेकिन नीचे आ जाएगा 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो पर्टिकुलरली हम ये वाला केस में ये नहीं लेकर चलते. फिर करेंगे कैसे इसको, तो हमने ना इसमें वही फंडा यूज करा कि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं. एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं log x का डिफरेंशियल निकालता हूं वो आता है 1 upon x, इसका प्रॉपर प्रूफ है, log x का डेरिवेशन निकालते हैं तो 1 upon x आता है, इसका मतलब जब 1 upon x का इंटीग्रल निकालेंगे तो वो log x आना चाहिए. ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये एक्सेप्शन है, इसमें आप x की पावर n वाला फार्मूला लेकर नहीं चल सकते. ठीक है, यस सर. चलो अब इसके बाद ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन आई है किसी कर्व की इक्वेशन आई है, तो हम बोलेंगे सिंस दिस कर्व is passing through, since this curve is passing through 1, 1, therefore y is equal to, sorry, इसी equation में मैं y और x की जगह 1 और 1 डालकर capital C यानी कि constant की value निकालूंगा, तो मेरा y जो है वो भी 1 है. ठीक है, और x भी 1 है, तो 1 का square plus log mod 1 plus c, ये बता रहा हूं. अच्छा, log 1 जो है वो होता है 0, log 1 0 होता है, ये हो गया 1 is equal to 1 plus log 1 is 0, ये c हो गया, 1 से 1 कट गया, तो capital C की वैल्यू आ गई 0. therefore equation of curve जो इन्होंने पूछा है ना वही लिखेंगे. वैसे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमको यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हुई इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन वो पूछ रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच इज पासिंग थ्रू 1, 1. तो ये इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई, आप सी की जगह बस जीरो डाल दीजिए, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log mod x,
ये जो क्लियर है नियति? यस सर। क्लियर है शिवांगी? शिवांगी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी, अदिति गोयल, सेना गोयल, दोनों बताओ समझ गए? यस सर। चलिए ठीक है जी सर। ओके ओके, अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 13, जैसे ये तो 12th था, 12th के बाद एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज 2x/y2। स्लोप टेंजेंट पर डाल, टेंजेंट पर जो सॉरी किसी भी हम कर्व पर, कोई भी हमारे पास अगर कर्व दे रखा है, उस कर्व पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप करता हूँ तो उस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो dy/dx होता है, जानते हैं। किसी भी कर्व पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो -dx/dy होता है। तो इसी तरीके से मुझे ये जो इन्होंने स्लोप दिया है, इसका मतलब इन्होंने dy/dx की वैल्यू दे दी, dy/dx की वैल्यू हो गई 2x/y2। और अब हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व इज dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप dy/dx होता है और वो गिवन है। dy/dx is equal to, हमको दे रखा है कितना, यह है 2x/y2, 2x/y2। अलग अलग करिए तो x के साथ dx वाली टर्म होनी चाहिए, y के साथ dy वाली टर्म, तो ये हो गया y2 dy is equal to 2x dx। integrating both sides, integrating both sides, integration y2 dy is equal to twice integral x dx। y square का integral क्या हो जाएगा, y3/3, 2 is a constant, x का integral क्या हो जाएगा, x2/2 plus c। ठीक है, यहाँ 2 से 2 का cancel कर दीजिए, y3/3 is equal to x2 plus c। अब ये कर लिया हमने, find the equation of a curve passing through the point -2, 3। तो ये मेरे पास आ गया general solution, इसको बोल दीजिए equation number 1, ये तो हो गया general solution। ये हो गया general solution। अब find the, अच्छा, find the equation of a curve passing through the point -2, 3। तो given that this curve is passing through, given that this curve is passing through -2, 3, मतलब x की वैल्यू -2 डालो, y की वैल्यू 3 डालो, तो 3³/3 is equal to -2² + c। 1 3 से 1 3 कट गया तो 3² आ गया, ये हो गया 9, is equal to -2² हो गया 4 + c, तो c की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अभी वो इक्वेशन ऑफ कर्व पूछ रहे हैं तो आप सी की जगह बस 5 डालिए यहां पर। सर हाँ जी बताइए। सर एक बार ना ये क्वेश्चन कराने के बाद ये dy dx ये सब एक्सप्लेन कर देना, मतलब ये हो, मतलब ये कोई होता थोड़ी है dx और dy, मतलब ये बस लिखने का एक तरीका है ना। dy और dy/dx कह रहे हो ना? हाँ, जैसे सर अगर मैं बोलूं dx/dy (dx) ऐसा कुछ होता है? अभी बताता हूँ। Therefore, required equation of curve, required equation
ऑफ कर्व, ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास वाई क्यूब अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह डाल दीजिए फाइव, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो चाहे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y cube is equal to 3x square plus 3 5s are 15. बताइए जी क्लियर है राध्या? यस ठीक है जी. शाश्वत क्लियर है? अब इसके बाद जरा देखिएगा. ठीक है ठीक है ठीक है ओके. उसके बाद क्या है कि जैसे अभी आप पूछ रहे हो कि ये dy by dx का मतलब क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है वाई और एक वेरिएबल है एक वेरिएबल है एक्स. तो अब डीवाई बाई डी एक्स जो है ये डिफरेंशिएशन, हम इसको बोल देते हैं कि ये डिफरेंशियल है. ये क्या होता है आप ये देखिए, डीवाई का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वाई, हम ऐसे बोलते हैं कि वाई इज अ वेरिएबल, स्मॉल चेंज इन वाई, वाई में अगर कुछ मामूली सा चेंज कर दिया तो वाई होता क्या है, हम जो बचपन से पढ़ते आए हैं वो ये पढ़ते आए हैं कि ये एक्स एक्सिस है एक्स डैश और ये वाई एक्सिस है वाई और वाई डैश. ठीक है, तो हमने ये देखा है कि भाई हम दो डायमेंशन को स्टडी कर रहे हैं. अब जो हम मैथ्स में यहां पर कर रहे हैं कि dy by dx, dy by dx सब जगह यही करते जा रहे हैं. अभी dz वाली टर्म तो नहीं पढ़ी ना आपने, dz वाली टर्म आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, क्योंकि जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स तो थ्री डायमेंशन में ही चलते हैं, 2D नहीं होता वहां पर. तो ये 2D जो है, ये जो हम कर रहे हैं ये टू डायमेंशन है, टू डायमेंशनल एनालिसिस. तो ये जो चीजें हैं ये हम बेस बना रहे हैं आगे के लिए. तो आगे आप पढ़ेंगे कि आगे आपके पास वेरिएबल तीन आ जाएंगे, dx होगा, dy होगा और dz होगा. कब किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो आप देखेंगे जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा, जो भी आपको जो भी आप आगे सब्जेक्ट पढ़ते हैं. तो खैर सबसे पहले बेस जो इसका है वो ये है कि दुनिया में अगर हम तीसरी डायमेंशन को भूल जाएं तो दो ही डायमेंशन होती है, एक एक्स होती है और एक वाई होती है. अब वाई में भी क्या है कि वाई भी एक तरह से क्या है, लेंथ ही तो है, वर्टिकल डायरेक्शन में नापी गई लेंथ को हम वाई बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नापी गई लेंथ को हम एक्स बोल देते हैं. तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं y एक वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि लेंथ लगातार वेरी करती रहती है, किसी भी चीज की लेंथ है. फॉर एग्जांपल एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है और आप लगातार उसको गर्म करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो क्या होता है कि आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड होता है. तो एक्सपेंशन ऐसा तो होगा नहीं कि अभी वो टुकड़ा इतना सा था और फिर वो इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा. तो वो जो थोड़ा सा चेंज होता है ना, स्लाइट चेंज, उस स्लाइट चेंज को हम बोल देते हैं डेल्टा वाई. अगर मैं उसकी हाइट की बात करूं और अगर मैं उसकी विड्थ की बात करूं तो हम ये बोलते हैं अगर दूसरा वेरिएबल है एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल, तो हम ये कहेंगे स्मॉल चेंज इन डेल्टा एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, वाई इज अ वेरिएबल, तो स्मॉल चेंज इन वाई तो हो गया डेल्टा वाई और स्मॉल चेंज इन एक्स ये हो गया डेल्टा एक्स, ये होता है. अब मान लो मेरी उम्र 50 साल है, आप लोगों की उम्र 25 साल है, ठीक. तो अगर ये बोला जाए कि भाई एक रिलेशन बताओ, कंपेयर कर दो दोनों की उम्र को, कंपेयर करो अपनी उम्र को और आपकी उम्र को, अगर मुझे कंपेयर करना हो तो हम ये कहेंगे, ऐसे ही सोचते ही कहेंगे, अरे भाई मेरी उम्र जो है वो आपकी उम्र से डबल है, क्योंकि आप 25 के हो मैं 50 का हूँ, तो मेरी उम्र जो है वो आपकी उम्र से डबल है. ये कैसे निकाला, मैंने अपनी उम्र को आपकी उम्र से डिवाइड कर दिया 50/25, तो ये क्या आ गया, ये 2 आ गया. तो 2 क्या है, 2 एक वो फैक्टर है जो ये चीज डिफाइन करता है कि मेरी और आपकी एज में क्या रिलेशन है. उसी तरीके से हम ये बोलेंगे कि 50/25, 50 इज माई एज, तो माई एज विद रिस्पेक्ट टू योर एज इज 2, माई एज विद रिस्पेक्ट टू योर एज इज 2. तो इसका मतलब क्या है कि मेरी इमेज आपकी, मेरी जो एज है वो आपकी एज से ट्वाइस है, ठीक. इसी तरीके से अगर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाला जाए तो मैं उसको बोल देता हूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स,
उसको हम बोल देते हैं डेल्टा वाई। मैं ये बता देता हूँ, ये तो सबने नोट कर लिया होगा ना क्वेश्चन, होगा ना। तो जैसे मैंने एज का एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि मेरी एज और आपकी एज में रिलेशन है, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि हम रिलेटिव एजेस की बात कर रहे हैं, तो माई एज विद रिस्पेक्ट टू योर एज इज टू, क्योंकि मैंने क्या करा, अपनी एज को तुम्हारी एज से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि वाई में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताइए, ये हम कैसे बता रहे हैं, और जनरलाइज आपको बताता हूँ इसमें कि वाई क्या है, वाई है वर्टिकल हाइट और एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल लेंथ। ठीक, तो कोई एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो आप नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन में खड़े होकर ये बताइए, अपने रिस्पेक्ट में बताओ कि कहाँ पोजिशन है उसकी। ठीक है, और अगर किसी दूसरी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में बताओगे तो वहां से मेजर करना पड़ेगा उसकी पोजिशन को। तो हमने ये कहा कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये समझाने के लिए कि डेल्टा वाई बहुत मामूली सा चेंज है वाई में और डेल्टा एक्स बहुत मामूली सा चेंज है एक्स में, हम इसको बोल देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। ये दोनों ही डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों जीरो को टेंड करते हैं, जीरो नहीं है, अगर जीरो हो जाएंगे तो जीरो अपॉन जीरो नॉट, वो हो जाएगा इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, जीरो नहीं है। और इस चीज को बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करने के बाद में जो मैथमेटिशियंस थे वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर मामूली सा एक वेरिएबल का चेंज निकाला जाए विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, तो उस चीज को, इस पूरे को हम बोल देते हैं dy by dx, इसको बोल देते हैं dy by dx। अब y में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डिफाइन करने के लिए ये पता होना चाहिए था कि y क्या है। तो y होते हैं फंक्शंस, फंक्शंस को ब्रॉडली पांच तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया, आइडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, तो मुझे लगता है इतनी कहानी सफिशिएंट होगी आपको समझ में आने के लिए कि dy/dx क्या है। यस सर। ठीक है ना, यस सर। ये समझिए कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, मतलब उनका हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का हम चेंज निकाल रहे हैं बस, और चेंज भी क्या, स्मॉल चेंज, वो स्मॉल चेंज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। लेकिन इसी चीज को लिमिट अगर लगा दी जाए, हमने लिमिट लगा दिया लिमिट ये बताने के लिए कि ये चेंज बहुत स्मॉल है, तो उसको dy by dx बोल देते हैं। और dy by dx के बहुत सारे फिर फॉर्मूले जो हैं डिराइव करे, और ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगे थे इन फॉर्मूलों को डिराइव करने में, और आज हम बैठकर उनको रट रहे हैं। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी, आप वापस आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं कुछ और? यस सर। सर, कुछ ऐसा होता है कि dy by dx को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। हाँ, तो dy by dx को y के रिस्पेक्ट में नहीं, x को y के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। आप ये बोल रहे हो शायद कि dy by dx है, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो जानता हूँ, ये तो होता है d square y by dx square, है ना। आप ये पूछ रहे हो कि क्या ऐसा हो सकता है dy dy of dy by dx, ये पूछ रहे हैं ना? Yes sir। इसके लिए एक चीज बताता हूँ, इसके लिए क्या होता है, ये आज नहीं पढ़ोगे, ये एक साल बाद पढ़ोगे। जो भी बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा वो तो पढ़ेगा, बाकी ग्रेजुएशन कोर्सेज की मुझे जो नॉलेज जो है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बोलते हैं बेटा डेल बाई डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ dy by dx। ठीक है, दिस डेल, दिस डेल इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x वाले जितने भी टर्म्स हैं इस dy by dx में, कहीं तो x वाले टर्म्स तो आएंगे ना, तो x वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सबको कांस्टेंट मानते हुए हम y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें फिर वो लाप्लास थ्योरम और लेबनिट्स थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स लगती हैं, तो वो आगे की कहानी है, उसको अभी छोड़ो। ठीक है, चलिए किसी दिन जो है ना, किसी दिन ले लेंगे क्लास, थोड़ा टॉपिक से हटकर किसी दिन क्लास लेंगे, सभी चीजों का ओरिजिनेशन देखेंगे, कहां कहां से ओरिजिन हुई और शुरुआत कहां से हुई किस चीज की, वो किसी दिन तसल्ली से देखेंगे।
ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 13। इसके बाद एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का। सर एक डिग्री और ऑर्डर वाला क्वेश्चन था। कौन सा वाला? सर डिग्री और ऑर्डर ऑफ डिफरेंस। सर कुछ ऐसा था कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर। अच्छा। हाँ, और प्लस डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। मैं समझ गया। अब वो डिग्री पूछ रहे हैं ना उस डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिग्री बताइए या ऑर्डर बताइए। तो उसमें उन्होंने ये जरूर मेंशन कर रखा होगा कि विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल निकालना है। अगर मान लीजिए हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर वाली टर्म मेरे लिए बेकार हो गई, मुझे फिर उसको नहीं देखना। तो ये जरूर दे रखा होता है कि विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल मैं निकालना चाहता हूँ, और अगर नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मुझे एक बार क्वेश्चन भेज देना। ओके सर, मैं देखकर बता दूंगा। चलिए जी, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि जब प्रिंसिपल लगातार बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जैसा कि हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कहा था कि किसी भी चीज के बढ़ने को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये बोला गया था कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, ठीक, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो dl by dt इज इक्वल टू 5% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। ये है, मान लीजिए उन्होंने बोला कि जो लेंथ है वो आपकी 5% बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे, और मान लीजिए वो ये कहते हैं कि वो डिक्रीज हो रही है तो मैं उसको नेगेटिव ले लूंगा। dl by dt को हम नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव ऑफ 5% ऑफ है ये। तो वही चीज यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो हम शुरुआत में, मतलब किसी भी फाइनेंशियल जो टाइम होता है, फाइनेंशियल ड्यूरेशन होती है किसी भी मनी को लेंड करने की या बोरो करने की, तो उसमें जो मैं इनिशियल अमाउंट लेता हूँ उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। गिवन डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू 5% ऑफ पी। डीपी बाई डी टी 5% ही दे रखा है ना, हाँ 5% ऑफ पी। तो डीपी बाई डी टी क्या है? डीपी बाई डी टी ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल कितना बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 5% ऑफ पी, ये उसमें चेंज आ रहा है टाइम के साथ। तो हमने बोला कि डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाइड बाई पी, तो ये हो गया 20। ये अठारह होंगे नीचे से, तो ये हो जाएगा dp अपॉन, इस p को नीचे ले आओ, dp अपॉन p इज इक्वल टू 1/20 इनटू dt। ये मैंने क्या करा कि मैंने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं ना, तो हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए कि dp के साथ में p वाला टर्म ले आया और इधर कांस्टेंट रख लिया मैंने dt, मतलब dt को अलग कर लिया, dp को अलग कर दिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल टू 1/20 इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो dp अपॉन p जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा log p, मैंने log p लिख लिया। हम मॉडुलस नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल पैसा है, तो पैसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पैसा हमेशा पॉजिटिव ही होगा भाई, मैं पॉजिटिव ही तो होगा अमाउंट। ये थोड़ी है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं -1 लाख रुपए, चलो मेरे को लोन दे दो -1 लाख रुपए, थोड़ी होता है कुछ। तो
तो लॉग पी पी हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो उसका लॉगरिथम भी पॉजिटिव होगा. इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 और ये dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t और प्लस c. ये आ गया हमारे पास. बताइए जी इतना क्लियर है? हाँ, ये एक तरह से मेरे पास इसको आप c1 बोल दीजिए पहले, क्योंकि इसमें अभी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, देखिएगा. ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया एक तरह से. तो अब मैं ये कहूंगा log p इज इक्वल टू t अपॉन 20 प्लस c1, t अपॉन 20 प्लस c1. मुझे तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है ना, तो जब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे तो अगर मैं यहाँ से लॉग हटाना चाहूंगा, तो जब मैं यहाँ से लॉग हटाना चाहूंगा तो क्या होगा, ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो सारा एंटी लॉग हो जाएगा. एंटी लॉग मतलब e की पावर में चला जाएगा वो सब. तो ये कैपिटल p कितना हो जाएगा e की पावर में. सर एक मिनट, ये लॉग और e के बीच में जो रिलेशन होता था ना, लॉग e इज इक्वल्स टू 1 हम काट देते थे, अब जैसे लॉग e करेंगे तो t अपॉन 20 आ जाएगा. एक बार आप दोबारा समझा दो. अभी बता दो. देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लो log x है ना हमारे पास, log x की वैल्यू मान लो 20 दे रखी है या 10 दे रखी है, जैसे ये साइन 90 होता है, साइन 90 इसको मैं 1 बोल देता हूँ, तो साइन को जब इधर ले जाते हैं तो पाई बाई 2 तो ऐसे ही छूट जाता है, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1. इसी तरीके से जब मैं लॉग को उस तरफ लेकर जाता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है लॉग एक्स इक्वल टू 10, मान लीजिए ये है, तो जब मैं लॉग को इधर लेकर जाता हूँ तो वो एंटी लॉग बन जाता है. एंटी लॉग का मतलब इधर जो भी टर्म है वो e की पावर में आ जाएगा, ये x तो ऐसे ही छूट जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर 10. इसी तरह से ये जो log p था, मैं log को इधर लेकर जाना चाहता हूँ तो वो एंटी log बन जाएगा, यानी कि इधर की जितनी भी टर्म्स हैं ये e की पावर में आ जाएगी. बताइए समझ गए? यस सर. ठीक है, यस सर, क्लियर है? अनिकेत क्लियर है? अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये कैपिटल पी है इतना, तो कैपिटल पी इज इक्वल टू ई की पावर. जब ये पावर्स जो है ऐड हो रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ई की पावर टी अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर c1 हो गया है ना भाई. दोनों बेस सेम रहे होंगे, मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी पावर्स जो है वो एडअप हो गई है. अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब कुछ कंडीशंस हमको दे रखी हैं. ये जैसे मान लीजिए मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, तो इन्होंने हमें क्या बताया था यहाँ पर कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटीन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर इन हाउ मेनी इयर्स रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ. कितने साल में 1000 रुपए डबल हो जाएंगे हमें ये बताना है. तो ये देखिएगा कि इनिशियली मेरे पास पैसा कितना था, इनिशियली मेरे पास 1000 रुपीज थे, तो हम कहेंगे इनिशियली वी हैड रुपीज 1000, देयरफॉर एट टी इज इक्वल टू 0. तो मैं आज की बात करता हूं, अभी मैं पैसा या तो लेंड कर रहा हूं या किसी से ले रहा हूं, ठीक है. तो जब आज की बात अगर हम कर रहे हैं तो अभी हमारा टाइम कुछ भी नहीं हुआ, तो टाइम तो आज मैंने पैसा दिया किसी से या लिया, तो कल क्या हो जाएगा कि भाई एक दिन हो गया, अब एक दिन का इंटरेस्ट, दो दिन का इंटरेस्ट, एक साल, तो फिर एक साल का इंटरेस्ट. तो जब मैं शुरुआत में पैसा देता हूँ तो हमारा टाइम कितना होता है, 0. तो एट टी इज इक्वल टू 0 मेरा प्रिंसिपल पी कितना था, रुपीज 1000. तो ये वैल्यू टी की वैल्यू 0 यहाँ और पी की वैल्यू 1000 यहाँ डालिए, तो ये हो जाएगा बेटा 1000 is equal to e की पावर 0 upon 20 into e की पावर c1. ये हो गया. अब देखिएगा 1000 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 3 is equal to e की पावर c1.
जब ये ई है, ई का मतलब क्या है, एंटी लॉग, ठीक है, ई का मतलब एंटी लॉग है, ये इधर जाकर लॉग बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉग 10^3 इज इक्वल टू C1, ये इसका उल्टा है, बताइए समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं। देखो अगर log x is equal to 10 था और x की वैल्यू निकालनी थी तो ये log इधर जाकर e की पावर 10 बन जाएगा। अगर उल्टा देखें कि मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है तो ये e इधर जाकर क्या बन जाएगा, log बन जाएगा। तो log x is equal to 10, ऐसे ही e की पावर c1 था तो ये e इधर जाकर क्या बन गया, log 10 की पावर 3 is equal to c1। ये समझ में आया कि नहीं, बताइए संजना। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद अगला देखता हूँ मैं। यहाँ पर log 10 की पावर 3, log 10 की पावर 3 है तो ये 3 इधर आ जाएगा फ्रंट में, 3 log 10 is equal to c1। log 10 क्या होता है, 1 होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा इनका C1000 कैसे आ रहा है, C1000 आ रहा है, गलत किया है क्या, e की पावर C1, अच्छा ठीक है ठीक है, इन्होंने e की पावर C1 को कैपिटल C बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, चलिए। तो C1 की वैल्यू आ गई, C1 इज इक्वल टू 3 आ गया क्योंकि लॉन्ग टर्म की वैल्यू 1 होती है। बताइए जी इतना समझ में आ गया सबको, जो लाइन लिखी है ये इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें C is equal to 1000 है ना एनसीईआरटी में, कुछ नहीं, उन्होंने क्या करा है कि ये e की पावर C1 जो है ना, e की पावर C1 को उन्होंने कांस्टेंट मान लिया, उन्होंने बोल दिया कैपिटल सी है वो, तो सीधी सी बात है जब वो कैपिटल सी है तो ये तो e की पावर 0/1 हो जाएगा, और ये अगर कैपिटल मतलब उन्होंने e की पावर c1 को 1000 लिखा है नया कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है समझ गया ना, तो हमारा ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद देखते हैं जी आगे क्या करना है, मुझे मेरे पास c1 की वैल्यू आ गई, तो अब इस वैल्यू को यहां इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस वैल्यू इन इक्वेशन वन में इस वैल्यू को डालो तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल पी इज इक्वल टू ई की पावर टी अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर c1 क्या है 3 की पावर 3, ठीक है, तो p इज इक्वल टू e की पावर t अपॉन 20 प्लस 3, बताइए ऐसा कह सकते हैं ना, e की पावर t अपॉन 20 प्लस 3, ये हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि पैसा डबल कितने साल में हो जाएगा, ठीक है, तो डबल क्या होता है, शुरुआत में 1000 था ना, तो वो 1000 का 2000 कब हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे नाउ P is equal to 2000. Bilkul. We wish to calculate T when P is equal to rupees 2000. जब P की वैल्यू 2000 रुपए हो जाएगी, वो 2000 कितने सालों में हो जाएगा 2000? तो यानी कि आपको T की वैल्यू बतानी है when P is 2000. ये हो गया 2000. हमारी पहले वाली इक्वेशन आई है E T 20+3 वाली, पर मैं कह रही हूँ ये हमारा जनरल सोल्यूशन आया है, ये तो जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। अब जो कंडीशंस दे रखी थी, कंडीशन क्या दे रखी थी कि p की वैल्यू 1000 थी, एट t इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 1000, ठीक है, तो ये आप खुद देखो कि ये जो मेरे पास जो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ
तो इसमें हमारे पास dx और dy ना होकर, मतलब x और y ना होकर p और t है वेरिएबल्स। तो यहाँ p की और t की वैल्यू दे रखी थी, वो वैल्यू की हेल्प से मैंने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, और जब मैंने इसको रखा यहाँ पर तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया, समझ गए? क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है जनरल सॉल्यूशन में, तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है? अच्छा, जब हम कांस्टेंट की वैल्यू, अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक है, करते थे जनरल सॉल्यूशन में तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए फिर वो क्या हो गया यहाँ पर, ये 2000 हो गया ठीक, और मुझे तो स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्मॉल ई हटाने का क्या तरीका है कि आप इसको यहाँ ले आओ, यहाँ आके ये लॉग बन जाएगा, लॉग 2000 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा टी अपॉन 20 प्लस 3। अब जो log 2000 है इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखेंगे बेटा हम log 2 into 1000, 1000 को लिख दो 10 की पावर 3 is equal to t upon 20 plus 3। अब ये मैं आगे उधर कर रहा हूं, देखिएगा तो log a into b क्या होता है, log a plus log b, तो log 2 plus log 10 की power 3 is equal to t upon 20 plus 3, ठीक है। अब log 2 plus log 10 की power 3, ये 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 10 is equal to t upon 20 plus 3। तो log 2 log 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया सिर्फ 3, t upon 20 plus 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 20 इधर गया, ये हो गया t is equal to 20 log 2। बताइए ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, बताइए सभी को क्लियर है? यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर log 2 की वैल्यू अगर दे रखी होती तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पर डालकर एग्जैक्टली टाइम निकाल लेता कि कितने टाइम में पैसा डबल हो रहा है, ठीक। अच्छा जी, सभी को अगर समझ में आ गया तो चले आगे, बताइए। यस सर, ठीक है जी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बताइए मैं करवाऊंगी पहले ट्राई करोगे, थोड़ा ध्यान से करने होंगे, हो सकता है आप लोगों से ना हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास कल ही लूंगा। तो कल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो सुबह रख लूँ 11 या 12 बजे के करीब। सर सुबह मेरी एक और क्लास है तो थोड़ा सा मतलब दोपहर के टाइम अगर मुझे बता दो टाइम क्या होगा, 12 बजे के बाद। हाँ सर 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद किस टाइम रख लूँ, 12:30, 1 बता दो। कभी भी 12 बजे सर, 12 बजे रख दीजिए। 12 बजे, हाँ 12 बजे रख दीजिए। और कितनी देर की क्लास? 1 घंटे की क्लास होगी बस। ओके सर, ठीक है ना। तो कल 12 बजे बता दीजिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर, ठीक है। तो आज इसके क्वेश्चंस करना ट्राई, और मैं अगला इसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा रहा हूँ। मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ जी बताइए सर। मुझसे 9.3 अपने आप नहीं हुई, मैंने 9.4 कर ली पूरी। 9.3 यही वाली जो मैं, अच्छा 9.4, 9.3 में कहाँ पर अटके हो बताओ? 9.3 में एक तो सर एलिप्स वाला मुझसे खुद नहीं हो पा रहे, वो सॉल्यूशन देखूंगा तो हो जाएंगे लेकिन खुद नहीं हो पा रहे। एक तो एलिप्स वाला हो गया और फिर हाइपरबोला वाला भी नहीं हुआ था सर, एक अच्छा, शिफ्ट नहीं हुआ था। कोई नहीं, सिंपल सा तरीका होता है तो हो, तो ये भी कल ही बता दूंगा। अब मैं आपसे सर किसी दिन आपसे 15 मिनट ले लूंगा, आप तभी बता देना, ये इजी है वैसे तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा सी कोई चीज अटक रही होगी वो क्लियर हो जाएगी, तो फिर हो जाएगा तुमसे, ठीक है सर, ठीक है। चलिए जी, मैं अब इसमें 9.4
आप लोग करिएगा, मैं नहीं कहता कि सारी करना, पर एटलीस्ट एक बार कोशिश करना। एक क्वेश्चन होगा, दो होगा, तीन होंगे, चार होंगे, जितने भी होते हैं कहीं ना कहीं तो अटकोगे ना, जहां अटकोगे वहां पूछना मेरे से करो। मैं इसमें होमोजीनियस करवा रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है? देखिएगा, होमोजीनियस में और वेरिएबल सेपरेबल में बहुत मामूली सा एक छोटा सा अंतर है। देखिए क्या करते हैं इसमें हम, कि अगर मैं वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करूं और वेरिएबल सेपरेट ना हो तो आप समझ जाना कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। लेकिन ऐसे ही नहीं कह देते, किसी को भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले प्रूव करना होता है। तो वो प्रूव किस तरीके से करेंगे अभी बताता हूँ, बस एक मिनट रुकिएगा, मेरा ना वीडियो बंद होगा, एक मिनट रुक जाओ बस। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरी चीज, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो वो किस तरीके से करते हैं हम ट्राई, सबसे पहले हम डीवाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। Find out dy by dx, dy by dx सबसे पहले find out करना है, उसके बाद में दूसरा step, dy by dx जो आया है ना, इसको हम बोल देंगे f x comma y, ये बोल देंगे f x comma y, क्योंकि dy by dx में y वाली terms भी होंगी और x वाली terms भी होंगी, ठीक? क्योंकि ये एक dy by dx इस तरीके का होगा, इसमें सिर्फ x वाली टर्म्स नहीं होंगी, इसमें y और x वाली दोनों टर्म्स मिक्स्ड होंगी, और इस तरह से मिक्स्ड होंगी कि आप उसको वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाओगे। वेरिएबल सेपरेबल जब नहीं लग पाता, देन ओनली वी गो फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब वो अलग अलग नहीं हो पाया तो इसका मतलब वो एक मिक्स्ड फंक्शन है जिसमें x और y दोनों इंक्लूडेड है। तो स्टेप सेकंड में मैं क्या करूंगा, go for finding f lambda x comma lambda y, go for finding f lambda x comma lambda y। इसका मतलब क्या है, जो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उसमें x की जगह आप lambda x से रिप्लेस कर दीजिए और y को आप lambda y से रिप्लेस कर दो और फिर इसको फाइंड आउट करो। अगर फाइंड करते टाइम जब हम फाइंड करेंगे अब स्टेप थ्री में है एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई is equal to lambda की power n into f x comma y, अगर ये आ जाता है then the equation is called homogeneous Homogeneous differential equation, ठीक है? अगर हमारा ये f lambda x lambda y, अगर lambda की power n, n क्या है, कोई भी number, ठीक है? Lambda की power n into f x y, अगर ये आ जाता है तो हम कहेंगे कि yes, it is a homogeneous differential equation। Till step 4, फोर में मुझे क्या करना है, लेट
y is equal to vx, it implies that dy by dx ये क्या हो जाएगा v plus x dy dx. ज़्यादा short हो गया तो बता देता हूँ. अगर मैं y is equal to मैंने vx ले ही लेना है, हर एक में हमें यही करना है. homogeneous differential equation पता चलते ही क्या करेंगे, y को मान लेंगे कि y is equal to vx है और फिर dy by dx निकालेंगे. तो dy by dx क्या हो जाएगा, सबसे पहले vx plus और x का differentiation मतलब product rule लगेगा. v as it is, x का differential 1 plus x as it is. हाँ जी बोलिए सर. v क्या है, v एक नया वेरिएबल ले लिया मैंने, जैसे y और x वेरिएबल है ना, मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया. v कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है. ओके सर. ठीक है. अच्छा तो अब मेरे पास ये हो गया कि प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है आपको दिमाग में एकदम ये आया होगा कि v अगर कांस्टेंट है तो फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो तो v आ जाना चाहिए बस. ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है. तो v as it is, x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 plus x as it is, और v का डिफरेंशियल क्या हो गया dv by dx. तो dy by dx is equal to क्या आ गया, v plus x dv by dx. फिर स्टेप 5, सॉल्व द इक्वेशन by variable separable. From the equation by variable separable. Variable separable method use करके फिर इस equation को आप solve कर लेना. आप बोलोगे जी वो तो variable तो पहले separate हो ही नहीं रहे थे, है ना, अब कैसे separate हो जाएंगे. जब वो variable separate नहीं हो रहे थे तभी तो मैंने homogeneous वाली ये पूरी procedure अपनाया. तो जब भी मैं ये देख लूंगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद में मैं y is equal to vx मानूंगा और dy by dx की ये वैल्यू ले लूंगा v plus x dv by dx. ठीक. और ये वैल्यू डालने के बाद में, ये वैल्यू यूज करने के बाद में, फिर यहाँ पर अब वेरिएबल बड़े आराम से जो है वो आपके सेपरेट हो जाएंगे. और वेरिएबल अब कैसे सेपरेट होंगे, एक वेरिएबल आएगा v हो जाएगा एक वेरिएबल और एक वेरिएबल आ जाएगा x. Originally मैंने क्या निकाला था dy by dx, तो dy by dx की जगह हम ये रख देंगे v plus x dv by dx. और फिर आप ये देखिएगा कि दोनों वेरिएबल v और x वो सेपरेट हो जाएंगे. सेपरेटली सॉल्व होने के बाद में जो लास्ट में मेरा जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें मैं v को क्या रख दूंगा y upon x. ये करना होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी कोई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा. ये सबने नोट कर लिया ना, प्रोसीजर तो नोट कर लिया सबने. यस सर. ठीक है. अभी मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे. देखिए पेज नंबर 399 पर है, एग्जांपल नंबर 15. इसमें लिखा हुआ है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस y इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस 2y इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट. ठीक है. तो पहले शो करना है कि ये होमोजेनियस है और फिर सॉल्व करना है. और आप लोगों को एक आदत डालनी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में. जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रही, वो सीधा होमोजीनियस का फंडा लगाकर वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं उसको. तो आप लोगों को एक आदत डालनी है कि जब भी आप देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रही है तो पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप उसको पहले प्रूव करोगे कि ये होमोजीनियस है. पहले होमोजीनियस प्रूव करेंगे, यानी कि यहाँ तक आपको करना है. स्टेप थर्ड तक आप लिखोगे दिस इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आगे आप सॉल्व करेंगे. तो देखिएगा कैसे करूंगा मैं इसको. एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 देखिएगा. Show that the differential equation x minus y dy by dx is equal to x plus 2y is homogeneous and solve it. X minus y dy by dx is equal to x plus 2y. अब देखो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको वेरिएबल्स को सेपरेट किस तरह से करूँ.
आपके देखो, आप अगर इस x को इधर ले भी गए, dx को x माइनस वाई dy is equal to x plus 2y or dx. Expand करके देखो, x dy minus y dy, x dx plus 2y dx. ठीक है, तो मैं कैसे करूं भाई, मेरे तो वेरिएबल ही सेपरेट नहीं हो रहे. मुझे y dy के साथ में मुझे सिर्फ y वाले टर्म्स चाहिए, तो dy के साथ यहाँ पर x वाला टर्म भी आ रहा है. कैसे करूं, अलग अलग dx के साथ सिर्फ x वाला टर्म चाहिए, तो x तो आ ही रहा है, dx के साथ ये y वाला टर्म भी आ रहा है. कैसे करें, सेपरेट नहीं आता समझ में. तो जब ये नहीं होता ना, अच्छा जब वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं होता, तो तब मैं चेक करूंगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही होगा. ठीक है, तो आप ये देखिए, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहला स्टेप फाइंड आउट dy by dx. आप जो भी इक्वेशन दे रखी होगी, आप उसमें dy by dx फाइंड आउट करेंगे. तो dy by dx देखो कैसे आएगा, ये दे रखा है मुझे, तो यहां से आ गया dy by dx is equal to x plus 2y upon x minus y. ये आ गया ना, इस पूरे को मैं क्या मान लूंगा, f x comma y. ये एक फंक्शन है जिसमें x और y दोनों वेरिएबल है, मिक्स्ड फंक्शन है. सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, y भी है इसमें, तो ये मिक्स्ड फंक्शन है. तो मैं इसको बोलूंगा, ये हो गया हमारे पास f x y. ठीक है, ये हो गया स्टेप फर्स्ट. उसके बाद आप क्या करिए, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में आप कैलकुलेट करिए f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y. ठीक, तो ये जो मेरे पास पूरा फंक्शन था, इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर लैम्डा x डाल दो, जहां जहां पर y है वहां वहां पर लैम्डा y डाल दो. तो क्या हो जाएगा, x की जगह लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन यहां x की जगह पर लैम्डा x माइनस लैम्डा y. न्यूमरेटर से लैम्डा निकालिए कॉमन, लैम्डा आ गया कॉमन, तो ये क्या आ गया x प्लस 2y. डिनोमिनेटर से भी लैम्डा निकालिए कॉमन, ये आ गया लैम्डा, ये बचा x माइनस y. लैम्डा से लैम्डा कट गया. ठीक, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो ये अब मेरे पास क्या बन गया, x प्लस 2y अपॉन x माइनस y, तो ओरिजिनल फंक्शन बन गया f x y. तो f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू, बाहर के लैम्डा से लैम्डा कट गया, मतलब लैम्डा की पावर जीरो. हमने कहा था ना लैम्डा की पावर n आएगा, तो मैंने लिख दिया इसको लैम्डा की पावर जीरो लिख दूंगा मैं, लैम्डा की पावर जीरो इंटू f x y. Therefore, it is a differential, it is a homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. ठीक है, ये हो गया. तो हमारे ये कितना हो गया, ये तीन स्टेप्स हो गए. स्टेप नंबर 4 देखिएगा, ये स्टेप 3 था. स्टेप 4 लेट y इज इक्वल टू vx. लेट y इज इक्वल टू vx, इट इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx. यहां तक बता दीजिए, यहां तक समझ गए कि नहीं बताइए, मुस्कान क्लियर है? यस सर, क्लियर है. ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है, ये जो dy by dx है, ये है v plus x dv by dx. ठीक, तो मैंने स्टेप 1 में dy by dx की वैल्यू निकाली थी, इसमें आप dy by dx की जगह वो वैल्यू डाल दो. तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, y by dx क्या है, dy by dx की जगह ये डालो v plus x dv by dx is equal to, क्या वैल्यू थी, x plus 2y upon x minus y, x plus 2y upon x minus y, ये था ना. लेकिन हमने क्या करा, v plus x dv by dx लिखा, यानी कि v में कन्वर्ट कर दिया मैंने,
तो जहां पर भी वाई है, वाई की जगह आप लिखिए वी एक्स, ठीक, क्योंकि मुझे डीवी और डी एक्स चाहिए, तो मुझे वी और एक्स चाहिए, मुझे वाई नहीं चाहिए। तो जहां पर भी वाई है वहां वी एक्स डाल दीजिए, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये वाई है, वाई की जगह आ गया वी एक्स, अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा वन प्लस टू वी, डिनोमिनेटर में भी एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा वन माइनस वी, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया। अब इसके बाद क्या करना होगा मुझे, हाँ जी, अब देखिएगा जैसे b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है, b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस वी, 1 plus 2v upon 1 minus v, तो इधर जो टर्म है अब इसमें सिर्फ v ही नहीं बचा, x भी हट गया, सिर्फ v बचा। तो जी सेकंड लास्ट स्टेप में क्या हुआ, ये वाला सर उससे ऊपर वाला, वहां से जो हुआ, यहां ये y की जगह vx ला रहा था तभी तो dy by dx की ये वैल्यू आई थी, तो dy by dx की जगह तो ये वैल्यू रहती, तो इसका मतलब y की जगह भी तो vx रखेंगे हम, तो जहां पर भी y नजर आए वहां पर भी x डाल दीजिए, ठीक है, तो क्या हो गया x plus 2vx और डिनोमिनेटर में x minus vx, तो मैंने न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लिया, बताइए जी समझ गए, ठीक है सर, ठीक है। तो अब क्या करो, अब ये जो v है इस v को इधर ले जाओ, तो x dv by dx is equal to 1 plus 2v upon 1 minus v माइनस बी, एलसीएम लो, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू बी माइनस बी इंटू वन माइनस बी अपॉन वन माइनस बी, तो एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू बी माइनस बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी, तो x dv by dx is equal to ये हो जाएगा v square 2v minus v, क्या हो जाएगा plus का v और plus 1 upon 1 minus v, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिएगा कि यहां पर इसको इधर ले आओ, 1 minus v upon v square plus v plus 1 इनटू डीवी, और इसको डीएक्स और एक्स को इधर ले आओ, ये हो गया डीएक्स अपॉन एक्स, बताइए जी हो गए वेरिएबल सेपरेट, यस सर। इधर आप देखिए डीवी के साथ सिर्फ वी वाली टर्म्स है सारी, और डीएक्स के साथ सिर्फ एक्स वाली टर्म है, बताइए हो जाएगा, आप छोड़ दो इसको, अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर का आपको डिफरेंशियल चाहिए ऊपर, v स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा ऊपर 2v, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, या मतलब छोड़ दूं मैं, ये तो कर सकते हैं आप, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, और इंटीग्रेट करने के बाद इधर का इंटीग्रेशन तो सिंपल है log x हो जाएगा, यहां वाला करना है, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ करवाऊं, आप एक काम करिए मैं इसको यही छोड़ रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे को बता देना, मैं यहीं से कल करवा दूंगा, और कल दोपहर में 12 बजे का टाइम है कल की क्लास का, ओके सर, ठीक है, तो कल 12 बजे आप करिएगा, और ये जो थी हमारी एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 9.4 ट्राई करिए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम करिए ट्राई, ठीक है, कल बताइएगा मुझे अपने डाउट, चलिए जी फिर, ओके ओके, बाय बाय सर, ओके जी।